हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्टी फूड रेसिपीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उत्तपम की रेसिपी। ये एक साउथ इंडियन रेसिपी है। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाकर खा सकते हैं या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट में बनाएंगे आज। कोकोनट चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं या फिर टमाटो केचप के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एक बाउल ले लेंगे, उसमें एक कप डाल देंगे धुली हुई उड़द का दाल। दूसरी बाउल में हम डालेंगे दो कप चावल। तो मैंने यहाँ पर नॉर्मल वाला चावल लिया है। आप चाहे तो इडली राइस मिलता है मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। अब हम चावल को और उड़द की दाल को 3 से 4 बार धो लेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसमें जो भी गंदगी लगे या फिर डस्ट हो वो सब निकल जाए। 3 से 4 बार धोने के बाद अब हम इसे पानी डालकर 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। आप चाहे तो इसे रात भर के लिए भी भिगो के रख सकते हैं। तो 6 घंटे हो चुके हैं, इसके सारे पानी मैंने निकाल दिया है, स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो एक ग्राइंडिंग का जार ले लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गया है। अब हम एक ग्राइंडिंग का जार ले लेंगे, उसमें सबसे पहले मैं उड़द के दाल डाल रही हूँ। आप चाहे तो पहले चावल भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो उड़द के दाल डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। हम यहाँ पर उड़द के दाल को फाइन पेस्ट बनाएंगे, यानी स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो लीजिए, मैंने उड़द की दाल को पेस्ट बना लिया है स्मूथली। अब हम सेम ग्राइंडिंग के जार में चावल डाल देंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। इसको हम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, यानी फाइन बैटर नहीं बनाएंगे। थोड़ा सा इस तरह आप देख सकते हैं, इस तरह थोड़ा सा दरदरा सा बनाएंगे। अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसमें हम सारे चीज़ों को डाल देंगे। तो मैंने पहले उड़द की दाल को डाल दिया है। अब इसमें चावल का जो बैटर है वो भी डाल देंगे और दोनों को अच्छे से हाथों से मिलाते हुए इसे फेंट लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। इससे हमारा फर्मेंटेशन जल्दी होता है। तो इस तरह से 4 से 5 मिनट के लिए हमें अच्छे से इसे फेंट लेंगे। अब इसके बाद एक बड़ा सा कंटेनर ले लेंगे इस तरह का, या फिर कोई बड़ा सा बर्तन भी आप ले सकते हैं। इस बैटर को इसमें डाल देंगे। बैटर डालने के बाद इसे ढककर रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। तो इसे मैंने ढक दिया है। 7 से 8 घंटे में ये गर्मियों में फर्मेंट हो जाता है, फूलकर डबल हो जाता है। यहाँ पर मैं मार्क लगा रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ ये कितना फूल गया है। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं बैटर हमारा फूलकर डबल हो गया है। किस तरह से फ्लॉपी बैटर बनाया हमारा सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट में ही। तो इसी बैटर से आप इडली भी बना सकते हैं, उत्तपम भी बना सकते हैं। तो हमें जितना बनाना है उतना हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं 2 कप निकाल रही हूँ एक अलग बाउल में, क्योंकि सारा मुझे आज बनाना नहीं है, इसलिए मैंने 2 कप अलग बाउल में निकाल दिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका टेक्सचर को ठीक कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, इस तरह का बैटर होना चाहिए। अब इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं ज़रूरी टिप्स देना चाहूँगी आपको। फर्मेंटेशन से पहले आपको नमक नहीं डालना है, या फिर फर्मेंटेशन के बाद भी आपको पूरे बैटर में नमक नहीं डालना है। जितना आपको बनाना है उसी में नमक डालना है। तो अब हम इसे साइड में रखकर वेजिटेबल्स को ऐड कर लेते हैं। एक बाउल में मैंने प्याज, शिमला मिर्च, टमाटो जिसका मैंने सीड्स निकाल दिया है, 2 हरी मिर्च को चॉप करके ले लिया था और धनिया पत्ती को भी चॉप करके ले लिया था। तो सारे वेजिटेबल्स को मैंने चॉप करके ले लिया है। वेजिटेबल्स को आप बहुत बारीक काटिएगा, बहुत मोटा मोटा मत काटिएगा। अब इसमें नमक, मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। आप अपने चॉइस से थोड़ा सा नमक और मसाला घटा या बढ़ा सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। नमक आप पहले से डालकर मत रखिएगा, बनाइए पानी छोड़ देगा। जब आपको बनाना है उत्तपम तभी आप इसमें नमक डालिएगा। तो गैस पर एक तवा रखकर इसे गर्म होने देंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे
टिश्यू पेपर से इसे ग्रीस कर लेंगे या पोंछ देंगे। अब हम एक लैडल बैटर इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे। पहले हम इसे मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेंगे। अब गैस का फ्लेम लो कर देंगे, इसके ऊपर बबल्स आने देंगे बैटर के ऊपर। जैसे ही बबल्स आने लगे उसके ऊपर हम वेजिटेबल्स को जो मिक्स करके रखे थे वो इस पर डाल देंगे। चारों तरफ अच्छे से इसे डाल देंगे। स्पैटुला के हेल्प से इस तरह इसे प्रेस कर देंगे ताकि हमारा वेजिटेबल्स नहीं गिरे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसे ढककर एक मिनट के लिए पका लेंगे। एक मिनट के बाद ढक्कन निकाल कर इसे ऊपर से थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, यानी ऑयल थोड़ा सा डाल देंगे। ऊपर से ये ड्राई हो चुका है, इसे पलट देंगे। अब इसे एक मिनट के लिए और ढककर पका लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह इसका कलर आ जाना चाहिए। अब इसको एक मिनट के बाद वापस से पलट देंगे और इसे बीच में इस तरह का फॉर्क कर देंगे, इस तरह फोड़ देंगे थोड़ा सा स्पैटुला या फॉर्क के हेल्प से, ताकि अच्छे से अंदर से भी ये पक जाए। अब ये हमारा बन चुका है कोत्तपम, इसे निकाल देंगे। इसी तरह दूसरा भी बना लेंगे। थोड़ा सा टिश्यू से पोंछ देंगे और ऑयल से ग्रीस कर देंगे टावा को। एक लैडल बैटर डाल देंगे इसके ऊपर। आपको जितना भी बड़ा या छोटा बनाना है आप उतना बैटर डाल दीजिएगा। बैटर के ऊपर जैसे ही बबल्स आने लगे इसके ऊपर हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मीडियम साइज के उत्तपम बना रही हूँ। तो इसके ऊपर अब हम वेजिटेबल्स डाल देंगे। इसे थोड़ा सा हाथों से या स्पैटुला के हेल्प से इस तरह प्रेस कर दीजिएगा ताकि वेजिटेबल्स हमारा गिरे नहीं, निकले नहीं। इस तरह ढककर एक मिनट के लिए पका लेंगे। एक मिनट के बाद ढक्कन निकाल कर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऊपर से और इसे पलट देंगे। बीच में से इस तरह स्पैटुला के हेल्प से थोड़ा सपोर्ट देंगे यानी फॉर्क कर देंगे ताकि ये कहीं से भी कच्चा ना रहे, और इसे पलट देंगे। बनकर तैयार हो गया हमारा उत्तपम। इसी तरह हम सारे उत्तपम बनाकर रेडी कर लेंगे। आप इसे कोकोनट चटनी यानी नारियल की चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारे चैनल में ऑलरेडी नारियल की चटनी की वीडियो और भी बहुत सारे साउथ इंडियन रेसिपी की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी दो इंग्रेडिएंट वाली उत्तपम की वीडियो, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।